हो राजधानी, राजधानी। 9 तारीख और 14 तारीख के होने वाले प्रोग्राम में एलिया ने मालेगांव कुसुम्बा रोड, शहीद अब्दुल हमीद रोड, सर्वे नंबर 57, सर्वे नंबर 56, रमजानपुर की आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि इस 9 तारीख और 14 तारीख के होने वाले प्रोग्राम को भरपूर उससे उसको कामयाब करें और उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की शिरकत करें। 14 तारीख को मालेगांव शहर के लीडर शेख रशीद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम है 40 साल खिदमत का, उस प्रोग्राम में तमामी लोगों से शिरकत करने की गुजारिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 9 तारीख को जो आरके पेट्रोल पंप के पास से हल खिदमत फाउंडेशन ग्रुप की जानिब से और अदारे अब्दुल खालिक नाके वाले एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इस्तकबालिया रैली निकलने वाली है, वहाँ से निकल कर कुसुम्बा रोड रजाक साइकिल मार्ग के पीछे 60 बीडी रोड पर जो रशीद साहब का अमन अदारे अमन पसंद सोसाइटी की जानिब से जो अजीमुस्तान इस्तकबालिया प्रोग्राम है, तो मैं ख़ास तौर से रमज़ानपुर की आवाम से गुजारिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस रैली में शरीक होकर रशीद साहब का जो 40 साल की खिदमत है उनके एतराफ़ में अजीमुस्सान शिरकत कर जलसे गाह तक पहुंचने की कोशिश करें। और 14 तारीख का जो होने वाला इस्तकबालिया शहरी इस्तकबालिया प्रोग्राम है, मैं पूरे शहर की आवाम से गुजारिश करूँगा मंसूर पहलवान ग्रुप की जानिब से, अदारे अब्दुल खालिक एजुकेशनल पर सोसाइटी रमज़ानपुरा की जानिब से कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच कर हमारे अपने महबूब लीडर अली जनाब शेख रशीद साहब के का भरपूर इस्तकबाल या प्रोग्राम में तारीखी प्रोग्राम बनाए। शुक्रिया। आप लोगों को पता ही होगा कि आर के पेट्रोल पम्प पास से जो रैली का नस्ब किया गया है साहेब की खिदमत के लिए, तो हमारी जो अपील है अल खिदमत फाउंडेशन की, और मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पदाधिकारी भी हूँ, हम तो सक्षम है, मतलब रेडी है, हम लोग रमजानपुर वाले कुसुम्बा रोड वाले और सलीम नगर नयाल नगर खुद्दार नगर गणेश नगर मर्चेंट नगर और जितने भी आसपास के एरिए, हम सब जितने वर्कर हजरात है, जितने पदाधिकारी है और जितने भी जिम्मेदार हैं, हम सब तैयार है, रेडी है। और मेरी गुजारिश ख़ास तौर पर नौजवानों की कि नौजवान तबका ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करे और अपने दोस्तों को बोले, अपने रिश्तेदार को बोले, अपने वार्ड में बोले, सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज पहुंचाए, अपने को इसको कामयाब करना है, 9 तारीख को भी कामयाब करना और 14 तारीख को ये एक रिकॉर्ड बनने होना मालेगांव शहर में कि यार आज तक इतना ऐसा शायन शान जलसा नहीं हुआ, एक तारीख रकम करने का वक्त आ चुका है और इंशाअल्लाह हम तारीख रकम करेंगे। तमाम शहर के लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को सलीम रिलायंस तिरंगा ग्रुप की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि शेख रशीद साहब का एक बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा, जो उन्होंने कुर्बानी दी शहर की खिदमत की, वैसे उसके बदले में उनका एक इस्तकबाल किया जा रहा जो उनका हक है। अरुण मामू अल फाउंडेशन खिदमत ग्रुप, ये लोग वार्ड नंबर 3 नंबर के लोग, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पे निहाल नगर पुलिस चौकी के पास जो तरीके से हम लोग डीजे वगैरह वहाँ पर कंदील वगैरह का इंतजाम और एक अजीम और शान मतलब ऐसा करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से टोटल जितने भी नौजवान हैं एक बार न्याय नगर पुलिस चौकी के पास जमा होंगे, एक जगह जमा होंगे, जमा होने के बाद हम लोग 14 तारीख के दिन इतना अजीम और शान रैली लेके हम लोग नूरबाग चौक जहाँ प्रोग्राम है साइजिंग के पीछे वहाँ पहुँचेंगे। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए, और आर के पेट्रोल पम्प के पास से 9 तारीख के दिन हम लोग एक रैली बग्गी के अंदर एक अजीम शान एकदम बड़ी रैली लेकर
और रशीद साहब को बग्गी पे बिठा कर इंशाल्लाह वहाँ से हम सब निकलेंगे। सर्वे नंबर 42 फारूक भाई आसिफ भाई ने वहाँ एक अच्छा स्टेट वगैरह लगाए हैं, अब प्रोग्राम लगाया है 60 फुटी रोड के ऊपर। इंशाल्लाह हम लोग तमाम लोग, मेरे तारिक मामू वगैरह, रशीद भाई, नाके के तमाम लोग, ऐसे तमाम जिम्मेदारी जिनके नाम मैं फटाफट नहीं ले सकता, और ऐसे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं जिनके चेहरे अभी फोकस में नहीं है, सामने नहीं है, स्क्रीन के सामने नहीं है, वो जो लोग हमको अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को अच्छे ढंग से तरतीब देंगे और कामयाब करेंगे। तुम लोगों को इससे भी गुजारिश है कि हम लोग सपोर्ट करिए, हमारे हाथों में हाथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख आसिफ बारदानवाला, मैं इसलिए आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ कि 9 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है सईद अब्दुल हमीद रोड पे, सारपुड़ी रियाज सिगल मार्ट के पीछे खातून मस्जिद के पास, हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं जो शेख रशीद शेख आसिफ साहब, उनका 40 सालाना सियासी किरदार पूरा होने वाला है, इसीलिए हम लोग बड़ा प्रोग्राम, उनका इस्तेमाल बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और मालेगांव शहर की तारीकी के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है जो आरके पेट्रोल पंप से 7 बजे 9 तारीख बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब के बाद जो ये रैली निकलेंगी आरके पेट्रोल पंप से 42 के अंदर, सर्वे नंबर 42 के अंदर, वहाँ से होते वहाँ से ये क़यादत वहाँ बामकाम पहुँच जाएंगी। उसके बाद फिर 9 तारीख के दिन हम लोग जो प्रोग्राम में सामान तकसीम करने वाले, वाकर, अनाज की किट और कपड़े विवाह लोग के लिए और बुज़ुर्गों लोग के लिए लाठी हम लोग तकसीम करने वाले, जो हमारे साथ तमाम ही जिम्मेदार तमाम ही पदाधिकारी जो उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं, तो हम लोग आपसे अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पब्लिक आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इसके साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम जो 14 अक्टूबर को होने वाला है बरोज़ जुमा के दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, ये जो जलसा है ये है जिसमें अजीज़ा पवार साहब, जैन पाटिल साहब आने वाले हैं, और ये 40 साल सियासत में पूरे होने वाले हैं, इसीलिए वो उनका इस्तेमाल करने के लिए मालेगांव शहर तशरीफ ला रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कामयाब बनाएँ और ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा आवाम आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।